नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और आपका स्वागत है होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज अपन समझ रहे थे जो चैप्टर किशोरावस्था में विकास यूनिट सेकंड में सामाजिक संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। तो इसी वीडियो को अपन कंटिन्यू करते हैं। उससे मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक स्वीकार्यता का मतलब होता है नव किशोर को सबसे बड़ी इच्छा यह होती है कि वह अपने समवयस्कों में लोकप्रिय है, उनके द्वारा अपनाया जाए। अलग अलग किशोरों को सामाजिक स्वीकार्यता अलग अलग मिलती है। उच्च प्रतिशत जो किशोर होते हैं जैसे कि सितारे को स्वीकरण अधिक मिलता है, कम प्रतिशत किशोर को कम स्वीकरण मिलता है। ठीक है, एकाकी किशोर को सामाजिक स्वीकरण बिल्कुल भी नहीं मिलता, जो एक्सेप्टेबिलिटी कम मिलते हैं यह बोलना चाहता है। ठीक है, अधिकतर किशोर अपने बारे में दूसरों की भावनाओं से विभिन्न संकेतों का पता चल जाता है। मंडली या भीड़ द्वारा अपनाया जाना, उनके प्रति दूसरों का बर्ताव, उनके प्रयत्नों को सराहा जाना, उनकी गलतियों को क्षमा करा किया जाना, पार्टी या सामूहिक क्रियाकलापों में आमंत्रित किया जाना, समाज में द्वारा उनको एक्सेप्ट, ये सब चीजें जो होती हैं सामाजिक स्वीकार्यता का मतलब होता है कि समाज के द्वारा बच्चों को किस प्रकार से, जो किशोर हैं उन्हें कैसे एक्सेप्टेबिलिटी की जाती है। आपने देखा कि जो नए नए बच्चे होते हैं, जो कलाकार बनते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है। वहीं पर अगर अपन देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, रीजंस क्या है? रीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सा होता है, क्योंकि वो एकाकी होते हैं, लोगों के साथ घुले मिले होते हैं, तो उसके सिचुएशंस में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, फिर अपन आगे देखेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। तो सामाजिक परिपक्वता का मतलब होता है समाज में बच्चे किस प्रकार से मैच्योर हैं, नवकिशोर किस प्रकार से मैच्योर हैं, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है किशोरावस्था के अंदर। ठीक है, उसको किस प्रकार समाज के अनुरूप व्यवहार किया जाता है, परिपक्व बनाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किशोर ऐसे होते हैं जो स्नेह, निष्ठा और विचारशीलता से सम्मान प्रकट करते हैं। वहीं पर कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक परिपक्वता के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते, स्नेह, निष्ठा, विचारशीलता, सम्मान को प्रदर्शित नहीं कर पाते। वे धर्म, जाति या रंग के आधार पर किसी के प्रति पूर्वाग्रह न रखते हुए सभी प्रकार के रोगों से अच्छा समायोजन कर लेते हैं। अपने मित्रों को उनके मौलिक स्वरूप से अपनाते हैं तथा उन्हें बदलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। मित्रों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं तथा समय समय पर उन्हें यथासंभव आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। अतः किशोर इतना आत्मनिर्भर होता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उसका परिवार है, मित्र है या परिचित के साथ असंभव प्रसन्न रह जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने समझा प्यारे बच्चों, किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास के व्यवस्थित में होता है तथा एक किशोर भविष्य में अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो आज अपन ने समझा उसके आगे का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।